Good morning, everyone. Today's practical is identification of bark drug cinnamon by study of morphological characters. आज हम क्या करेंगे, सिनेमन यानी कि दालचीनी जो हम घर में मसालों में यूज करते हैं उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो एज आई टोल्ड यू, इसका सिनोनिम होता है दालचीनी एंड इट्स बायोलॉजिकल सोर्सेज. इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड बार्क ऑफ सिनेमोमम जेलेनिकम बिलोंगिंग टू द फैमिली लॉरिएसी. ये क्या होता है, इसकी हम बार्क को यूज करते हैं, ठीक है, जो बार्क होती है जो सूखी हुई होती है. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जो कलर होता है येलोइश ब्राउन होता है, ऑर्डर एरोमेटिक होती है, टेस्ट वार्म स्वीट एंड साइज इज अप टू 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 to 10 mm इन डायामीटर एंड 0.5 mm इन थिकनेस. सो आई जस्ट शो यू द सिनेमन बार्क. See student, this is the cinnamon bark. As I told you, its color is yellowish brown and it is up to 100 centimeter long, 6 to 10 millimeter in diameter and 0.5 millimeter in thickness. So when you taste the cinnamon, so you will feel the warm sweet. Now we will study its chemical constituent. सिनेमन बार्क जो होती है ये क्या कंसिस्ट करता है, वॉलेटाइल ऑयल, यानी कि इसमें वॉलेटाइल ऑयल सबसे ज्यादा पाया जाता है. उसमें जो मेजोरिटी अमाउंट में होता है या मेजर अमाउंट में होता है, दैट इज यूजिनॉल एंड फिलेंड्रीन, सिनेमाइल एसिटेट एंड पाइनिंग, दे ऑल आर प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट. इसके अलावा इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट्स, सुगर स्टार्च एंड फ्लोवोटैनिन भी पाए जाते हैं, और हाँ इसमें म्यूसिलेजेस भी मिलते हैं. सो ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. इसका यूज क्या है, कार्मिनेटिव और स्टोमैटिक. मैंने आपको अपनी अर्लियर वीडियोस में भी बताया है कि कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं. ये वो एजेंट्स होते हैं जब हमारे स्टमक में क्या हो जाता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एजेंट्स को लेते हैं जो कि उनको रिलैक्स करने में काम आते हैं. जैसे कि कार्मिनेटिव में मैंने आपको यार सिनेमन पढ़ाया, और पहले भी मैं आपको कुछ ड्रग्स इसमें पढ़ा चुकी हूँ कार्मिनेटिव कैटेगरी की. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.